तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं फ्रेंड्स तेनुगा डैम में, और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार का डैम है और इस प्रकार का नज़ारा है। ये है तेनुगा डैम। तो फ्रेंड्स इसमें कोई विकसित नहीं किया गया, इसमें लोग आते जाते हैं लेकिन इसमें कोई डेवलप नहीं किया गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरा झाड़ी है, लग रहा है कहीं मैं झाड़ी में आया हुआ हूँ, लेकिन देख सकते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, जो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग। देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का है, अभी शाम का वक्त हो चुका है लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड्स यहाँ की, देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा, अगर आप फोटो वोटो खिंचाते हैं तो फ्रेंड्स सावधानी बरतेंगे, लेकिन आप इस प्रकार का नज़ारा का आप उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स तेनुगा डैम को बहुत कोई नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़ारा है और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। अक्सर फ्रेंड्स यहाँ पे शाम के वक्त यहाँ पे आया जाता है और यहाँ पे आप नज़ारा ले सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट मेन रोड पे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी शानदार लग रहा है। तो यहाँ से काफ़ी खतरनाक नज़ारा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार गर्मी के दिन में अक्सर उस पार नहाया जाता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स
अंदर से यहाँ का जो देख सकते फ्रेंड्स, दो गेट खुली हुई है, तो यहाँ से आपको कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं। काफ़ी बेहतरीन मौसम है और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी शानदार लुक आ रहा है। आपको यहाँ से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं अभी पानी काफ़ी, बारिश होने के कारण धुंधलाहट दिख रही होगी, लेकिन काफ़ी शानदार नज़ारा है। यहाँ पे आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अक्सर जो यहाँ पे आसपास जो आते हैं, यहाँ काफ़ी फ़ोटो खिंचवाते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है तेनुघाट डैम का मेन गेट, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको लेके आपको दिखाते हैं। इस प्रकार का है ये बनाया गया है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का है। यहाँ से इसका नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। यह फ्रेंड्स तेनुघाट डैम, जो बोकारो जिले के नज़दीक स्थित है, जो फ्रेंड्स बोकारो ज़िले में स्थित है। यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी गहरा है फ्रेंड्स। मैं फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और यहाँ से अलग आप नीचे भी जा सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा आ रहा है। जो शाम का वक्त है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार नज़ारा है। शाम का वक्त है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार का एक ओवरब्रिज भी बना हुआ है, जो पेटोरल और बोकारो रोड, जो फ्रेंड्स आपने गोमिया का नाम सुना होगा, उस रोड को जोड़ती है। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार आप गाड़ी पार्किंग करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक रास्ता है, अगर आप डैम के द्वारा नीचे उतरते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं किस प्रकार का है। यह फ्रेंड्स पतरातू वैली का जैसा सेम है, पतरातू डैम जो है उसी प्रकार का है यह भी डैम। तो यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं। अगर गेट का गिनती किया जाए तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इतने सारे गेट है। तो फ्रेंड्स, इधर से उतरने का फाइनली हमको जगह मिल गया है,
तो देख सकते फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का है। मैं अभी उतर रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम लोग शाम हो चुका है तो फिर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का है। तो ज़्यादा सामने ना जाते हुए आपको यहीं से आपको नज़ारा दिखाते हैं नीचे का। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं इस काफ़ी फूल भी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारा, ज़्यादा सामने नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, यहीं से आपको दिखाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो को आपने एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा नज़ारा।